तो गाइस आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ हम अपने एंड्रॉयड डिवाइस का कंट्रोल सेंटर कैसे कस्टमाइज़ करें। और गाइस कस्टमाइज़ आपने देख ही लिया होगा जो मैंने आपको थंबनेल में दिखाया, कितना कूल एंड अमेजिंग वही वाला कंट्रोल सेंटर आप अपने फ़ोन में लगा पाओगे, वो भी बहुत आसानी से। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कंट्रोल सेंटर होता क्या। तो आप ये देख सकते हैं जो ऊपर से आया ना, ये कंट्रोल सेंटर है। ये मेरा ओप्पो का फ़ोन है और गाइस काफ़ी ज़्यादा बोरिंग लग रहा होगा आपको इसका कंट्रोल सेंटर। तो आज के इस वीडियो में आपके लिए बहुत ही अमेजिंग कंट्रोल सेंटर आपको देखने को मिलने वाला है। बस आपको इस वीडियो को पूरा देखना है ध्यान से एंड तक, लास्ट तक बिना स्किप करे, ताकि आप अच्छे से कर पाएं। तो गाइस अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन कॉल पर सेट कर लेना, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है जिसका नाम है MI कंट्रोल सेंटर। इसके बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ गाइस। इस एप्लीकेशन से क्या होता है कि हम अपने फ़ोन का कंट्रोल सेंटर कस्टमाइज़ कर सकते हैं। मैं आपको MI कंट्रोल सेंटर लगाने के लिए नहीं कह रहा, तो गाइस ये वाली एप्लीकेशन है, आपको इसे इंस्टॉल करना है। तो मैंने इंस्टॉल कर रखी है और यहाँ पर आ चुकी है। इसका लिंक गाइस आज आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, तो गाइस ध्यान से देखना इस वीडियो को। अभी जाके डाउनलोड मत करने लगना, पहले यहाँ से देख लीजिए। तो गाइस यहाँ से हम आते हैं परमिशन से इसलिए दिखाता हूँ, अगर आप परमिशन सही से सेट नहीं करेंगे तो हमारे फ़ोन में वर्क नहीं करेगी। MI कंट्रोल सेंटर ऑन करना है, इसे ओके कर देना है। फिर आ जाते हैं नोटिफिकेशन पर, इसे भी आपको यहाँ देखना है, MI कंट्रोल सेंटर ऑन कर देना है। तो गाइस ऑन करते ही आपको जो देखने को मिलेगा, सबसे पहले ये होगा हमारा कंट्रोल सेंटर MI का। तो गाइस आप इसे देख सकते हैं, सबसे पहले आप इसके मतलब परमिशन दे दें ब्राइटनेस को, ताकि ब्राइटनेस आपके कंट्रोल में आ जाए। तो गाइस लगता है ज़्यादा बैक हो गया। तो गाइस ये हो चुका है, ये है हमारा MI कंट्रोल सेंटर। अब मैं आपको इसे कस्टमाइज़ करना सिखाऊंगा, वो कैसे तो आपको देखना है यहाँ से वीडियो को ध्यान से। तो बैक आ जाते हैं, ये आ गया हमारा कंट्रोल सेंटर। तो गाइस अगर आप इस पर क्लिक कर देंगे ना, तो आपको एक और गजब कंट्रोल सेंटर देखने को मिलेगा। तो गाइस आप देख रहे हैं ना कितना गजब का लग रहा है ये गाइस एक नॉर्मल कंट्रोल सेंटर है, ये आपको ऐसे ही दिखने को मिल जाएगा। और गाइस अब बात करते हैं जो मैंने अपने थंबनेल पे कस्टमाइज़ करा वो वाला कंट्रोल सेंटर आप कैसे लगाएंगे। तो आपको सिंपल से लेआउट पे पहले यहाँ इस कंट्रोल सेंटर पे क्लिक कर देना है, फिर आपको लेआउट पे जाना है। लेआउट पे आ जाने के बाद आपको इसे 3 करना है, 2 और 3 और ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपको सबसे पहले उस पर जाना है, फिर आपको इस सर्कल पर क्लिक करना है। फिर आप देखेंगे कि हमारा कंट्रोल सेंटर कुछ अलग सा ही हो गया है, लुक पूरा चेंज हो चुका है। और अब क्या करना है, मैं फिर से हम बैक आ जाते हैं। बैक आ जाने के बाद यहाँ पर आपको बैकग्राउंड कलर में स्काई ब्लू ले लेना है और लेके बैक कर देना है। बैक आ जाती तो सॉरी गाइस, पहले मैं आपको दिखा दूँ जो स्काई ब्लू है वो हो चुका है हमारा। तो गाइस हो गया ना गजब कंट्रोल सेंटर। और आपको थोड़ा सा फिर बैक करना है, कलर्स में फिर आ जाना है, फिर एक्टिव द कलर पे आपको क्लिक करना है, फिर आपको इसे ग्रीन लेना है इसमें और अप्लाई कर देना है। फिर आप देखेंगे हमारा ग्रीन भी हो चुका है और ये भी हो चुका है। तो है ना गाइस ये गजब का कंट्रोल सेंटर। तो गाइस ये तो मुझे काफ़ी ज़्यादा कूल लगा। और गाइस ये ऑल वर्किंग है, बस शुरू में आपको परमिशन देनी पड़ती है, बाकी सारे काम हमारे हो जाते हैं। गाइस ये कंट्रोल सेंटर आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना आपको कैसा लगा, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा गजब लगा। और आप जब भी किसी फ़ोन के आगे निकालोगे, मतलब अपना फ़ोन किसी दोस्त के आगे निकालोगे, तो आप अपना कंट्रोल सेंटर देखोगे ना, तो ऐसा कंट्रोल सेंटर उसे कहीं नहीं देखने को मिला होगा। तो है ना गाइस गजब। इसी एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो गाइस वीडियो में बस इतना ही, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना आपको ये कंट्रोल सेंटर कैसा लगा। और गाइस जल्दी से लाइक 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 ज़रूर देना इस वीडियो को बहुत ज़्यादा, और शेयर ज़रूर करना। तो चलिए मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में।